गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं इजिप्ट ऑफ चप्पल्स नामक चैप्टर पर। हाँ जी, देखो हमने ये पढ़ लिया था कि जो साधु था वो वापस चला गया था और जो संगीत टीचर है वो वापस उस लाली को संगीत सिखा करके क्लास से बाहर निकला है। उसके घर में जहाँ उसने संगीत की शिक्षा देने की व्यवस्था कर रखी थी उससे बाहर निकला, वो अपने चप्पलों की सर्चिंग में बिजी था। उसने कहा कि मुझे डेफिनेटली याद है कि मैंने बरामदा में चप्पलें ओपन करी थी, खोली थी, और वो बच्चे जो गार्डन में बैठे बैठे उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। लाली इसकी शिकायत अपने दादी से करके आती है और दादी जो है उसके बाद लाली और दादी दोनों बाहर आती है। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती है, वेयर कुड दे बी, वेयर कुड, वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती है, अर्थात चप्पलें यहाँ घर पे रखी गई थी तो वो कहाँ जा सकती है। उसके बाद अगली लाइन जो आती है वेयर शुड, वो कहाँ हो सकती है। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग, इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये निश्चित रूप से परेशान करने वाला है। इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन, टू थिंक समवन, इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, माइट हैव स्टोलन देम। यानी कहने का मतलब क्या है, वेयर कुड बी, वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती है, और इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन, हो सकता है उन्होंने किसी ने चुरा ली हो या कोई और पहन के चला गया हो। आगे बात करते हैं तो उसमें आता है सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर। वेंडर्स का मतलब होता है फेरी वाले, क्या होता है, जो फेरी के लिए आते हैं अलग अलग चीजें बेचने के लिए लेने के लिए, उनको फेरी वाले बोलते हैं। केम टू द डोर कि बहुत सारे फेरी वाले जो है वो दरवाजे पे आते रहते हैं तो उनमें से कोई हो सकता है उन्होंने किसी ने चुरा ली हो, वो लोग ऐसे अनुमान लगा रहे। अब उनको वास्तविकता का भी पता नहीं है कि वो कहाँ गई। रुक्मणी कॉट साइट, रुक्मणी कॉट, रुक्मणी कॉट साइट, रुक्मणी कॉट साइट फॉर ऑफ रवि, रुक्मणी कॉट साइट फॉर रवि, रुक्मणी है वो रवि की तरफ देखती है, यानी रुक्मणी की दृष्टि है वो पेड़ के नीचे जो खेल रहे हैं कौन का रवि वगैरह उनकी तरफ जाती है। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि मृदु एंड, रवि मृदु एंड मीना, जो तीनों बच्चे वहां मैदान में खेल रहे थे उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है। सिटिंग अंडर द ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी कॉट साइट फॉर रवि एंड मृदु एंड मीना, सिटिंग अंडर द ट्री, यानी रुक्मणी की दृष्टि पड़ती है किस पे, रवि मृदु और मीना पर, जो कहाँ बैठे हुए थे, सिटिंग अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू
चिल्ड्रेन ऐसे चलते हुए उन्होंने पूछा, हैव यू चिल्ड्रेन, हैव यू चिल्ड्रेन। अब वो बात पूरी नहीं कर पाती है, क्या वो वही पूछना चाहते हैं, क्या बच्चों आपने वो चप्पले देखी चिल्ड्रेन, और वो बात उसको इन्वर्टेड कॉमा में रख देती है, हैव यू सीन। तो उनसे वो पूछना चाह रही है, क्या आप लोगों ने देखा, ऐसे दूर से आवाज लगा करके पूछ लेती। सोचते वो तो वहां खेल रहे हैं, या बरामदा में आके चप्पले कहाँ लेकर के जाते, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड देन और तब, सीइंग दे वेंट क्यूरियसली क्वाइट, एंड सीइंग ये सब देखते हुए, एंड देन और तब, सीइंग दे वर क्यूरियसली 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 यानी विचित्र रूप से, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वे विचित्र रूप से बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। ऐसे चुपचाप तो बैठने वाले थे नहीं, मतलब इतनी शांति उनके आस पास बैठी है, तीनों आराम से बैठे हैं, इसका मतलब वहां उनको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड वेंट ऑन मोर स्लोली, वेंट ऑन मोर स्लोली, एंड वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे हो जाते हैं जब वो उनकी तरफ बातचीत करने लगे, अपने उनके बीच में जो बातचीत चल रही थी, वेंट ऑन मोर स्लोली, वो और धीरे हो जाते हैं। एंड सीन एनीवन, क्या बोलते हैं, सीन एनीवन, देखा है किसी ने, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड, लर्किंग अराउंड चुपके, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड चुपके से द वरामदा, लर्किंग अराउंड द बरामदा, यानी सीन एनीवन, क्या आपने किसी को दरवाजे के अंदर या बरामदा के अंदर आते हुए देखा, उनका मतलब क्या था, सीन एनीवन किसी को लर्किंग यानी अंदर आते हुए, अराउंड द बरामदा यानी बरामदा के अंदर आते हुए किसी को चुपके से आते हुए देखा, और ये बात उसने क्वेश्चन मार्क थी, प्रश्न था और इन्वर्टेड कॉमा में बंद थी, तो बात ये कौन पूछ रहा है। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वो बिल्कुल क्वाइट थे, चुप थे, क्यूरियसली का मतलब विचित्र रूप से चुप थे, जबकि बच्चे ऐसे होने वाले थे नहीं। एंड वेंट मोर ऑन स्लोली, वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बहुत थोड़ी धीरे हो गई फिर। एंड सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या आपने बरामदा में किसी को देखा, धीमे स्वर में कहती चली गई कि बरामदे में आपने किसी व्यक्ति को चुपके से आते हुए देखा। अब देखो वो कैसे अपने चेहरे को बना लेते हैं, ए शार्प वी शेप्ड लाइन, ए शार्प वी शेप, ए शार्प वी शेप लाइन, ए शार्प वी शेप लाइन। तो ऐसे कर लेते हैं, अपनी भुजाओं को ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में एक वी आकार की आकृति बन जाएगी, हमें तो पता ही नहीं है, वी शेप की आकृति वो बना लेते हैं। ए शार्प वी शेप्ड लाइन, ए शार्प वी शेप्ड लाइन, एक वी आकार की विचित्र सी आकृति वो बना लेते हैं। हेड फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ बनाते हैं, हेड फॉर्म्ड बिटवीन, हेड फॉर्म्ड बिटवीन, हेड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, हर आईब्रोज,
यानी अपने आंखों की भौहों के बीच में वो एक वी शेप की आकृति बना लेते हैं, और कहते हैं अनदर स्ट्रेट, और दूसरी तरफ सीधे देखते रहते हैं। अनदर स्ट्रेट, अनदर यानी दूसरी तरफ, अनदर स्ट्रेट, अनदर स्ट्रेट यानी दूसरी तरफ वो सीधे देखते रहते हैं। वी आकार के सलवटे पड़ लेती है उसके, और उसके बाद में वो सीधे देखते रहते हैं। अनदर स्ट्रेट टाइटर एंड अपीयर्ड इन ए प्लेस ऑफ हर यूजुअली शॉर्ट। टाइटर स्ट्रेट, टाइटर यानी उस बात को हटाने की कोशिश करते हैं। टाइटर एंड स्ट्रेट, टाइटर बिटवीन आईब्रोज एंड अनदर स्ट्रेट सीधी एंड टाइटर, स्ट्रेट एंड टाइटर, TIGHTR टाइटर। वन अपीयर्ड टाइटर, वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट स्ट्रेट यानी हर आईब्रोज, उसके आंखों में भी आकार की आकृति बनी। अनोदर स्ट्रेट यानी दूसरी सीधी कसी हुई। वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, सॉफ्ट प्लीजेंट, सॉफ्ट यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, प्लीजेंट प्लीजेंट यानी प्यारा सुंदर, माउथ यानी चेहरा। अब देखना इसमें क्या है कि ये कह रहा है अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट एंड प्लीजेंट माउथ। माउथ यानी होता है मुंह, प्लीजेंट यानी प्यारा, सॉफ्ट यानी मतलब सामान्य तरीके से नॉर्मल होता है। यूजुअली प्लेस अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी प्रकट होना, यानी उसके चेहरे पर एक सीधी और कसी हुई सी एक मुस्कान जो है वो प्रकट होती है। किसके चेहरे पर? बच्चों के चेहरे पर क्या आती है? अनदर स्ट्रेट एंड टाइटर वन अपीयर इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। अब ये हाँ, उसके आती है तो देखो रुक्मणी वो जाएंगी। अब रुक्मणी जो है वो उनके ऊपर क्रोधित हो रही है। रुक्मणी वॉज एंगर, रुक्मणी उन पे क्रोधित हो रही है। क्या कर रही है? उन पे क्रोध दर्शा रही है, उन पे क्रोधित हो रही है। और क्या कह रही है? रुक्मणी वॉज एंग्री थ्रो मृदु विद ए सीवर, ये मतलब रुक्मणी उसके ऊपर गुस्सा हो रही है। थॉट ये सोचते हुए, THOUGHT थॉट ये सोचते हुए, कौन कम कंपाने लग जाता है? सीवरिंग, सीवरिंग यानी कम कपाने लग जाता है। थॉट मृदु विद सीवरिंग, थॉट मृदु विद सीवरिंग, मृदु ये सोचकर कि वो गुस्से में हो रही है वो कम कपाने लग जाती है। सी वुडंट बी अपसेट, कहती है सी वुडंट बी अपसेट, सी वुडंट बी अपसेट, बोले वो बिल्कुल भी नाराज या क्रोधित नहीं होती। वुडंट बी अपसेट, वो एंग्री नहीं होती, अपसेट नहीं होती। इफ सी नो, इफ सी नो यदि वह जानती, इफ सी नो क्या जानती, इफ सी नो यदि वह जानती अबाउट द पुअर बेगर, अबाउट द पुअर बेगर यानी उस बेचारे भिखारी के बारे में यदि वह जानती उनके पैरों के फफोलों के बारे में, तो पैरों में क्या था? बेगर विथ श्योर्स ऑन हिज फीट, विथ श्योर्स ऑन हिज फिट, यदि वह उनके पैरों में पड़े हुए फफोलों के बारे में जानती तो वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती, बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। एंड सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, सी ट्राइड टू टेल, सी
ट्राई टू टेल हरसेल्फ, उसने अपने आप को समझाने की कोशिश करी। कौन कह रहा है? मृदु सोच रही है, सी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है। यदि रुक्मणी को ये पता होता कि उस साधु के पैरों में किस प्रकार से छाले पड़े हुए हैं, तो वो कतई ये सोचने पर या हमारे ऊपर अपसेट या नाराज होने की स्थिति में नहीं होती। चलो एक बार के लिए हम इसको पूरे को कंप्लीट को देख लेते हैं। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ गई होंगी? इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव, इट इज रियली, ये वास्तव में किस प्रकार का विषय है, चिंता का विषय। इट इज रियल अपसेटिंग, इट इज रियली अपसेटिंग, ये वास्तव में ही क्या है, चिंता का विषय है। अपसेटिंग यानी टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉल देम, कि किसी ने इनको चुरा लिया हो गया। एंड स्टॉल देम सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, मैनी बहुत सारे फेरी वाले जो है वो दरवाजे पे आते हैं। रुक्मणी कॉट साइट फॉर रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी की जो नजर है वो किसके ऊपर पड़ती है, रवि पे पड़ती है, मृदु पे पड़ती है एंड मीना पे पड़ती है, सिटिंग अंडर द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, कौन कौन है? रुक्मणी कोट साइट फॉर रवि मृदु एंड मीना, रवि मृदु और मीना पे पड़ती है, सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू सीन चिल्ड्रेंस, वो पूरी बात नहीं करती है, थोड़ी सी बात करती है, उसके बाद भी उन्हें पता चलता है कि वो कुछ पूछना चाह रही है। बच्चों को तो वैसे ही पता था, तो उन्हें पता था कि वो चप्पलों के बारे में पूछ रही है, तो उसने पूरा सेंटेंस भी बोला, हैव यू सीन चिल्ड्रेन, क्या आप लोगों ने देखा? अब क्या देखा वो नहीं पूछा। एंड देन सीइंग दे वर, और तभी देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, तब उन्होंने देखा ये बड़े विचित्र रूप से चुपचाप बैठे, मतलब दाल में कुछ काला है, हो सकता है बच्चों ने ही कुछ किया हो। एंड वेंट ऑन मोर स्लोली, और बात करते करते धीरे 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 उनकी तरफ बढ़ जाती है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, लर्किंग यानी आते हुए, क्या आपने किसी को चुपके से आते हुए, लर्किंग चुपके से आते हुए, अराउंड द वरांडा, वरांडा या वरांडा के आसपास किसी को चुपके से आते हुए देखा था? चुपके से मतलब वैसे चोरी करने के उद्देश्य से आते हुए किसी को देखा था? फिर वो बात करते हैं, ए शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्मड बिटवीन हर आईब्रोज, आईब्रोज यानी अपनी आंखें जो कि भौहें होती है, तो वो क्या कर रहा है, ए शार्प वी शेप, एक बड़ी सी लंबी सी वी आकार की ऐसी आकृति, वी शेप हैव फॉर्मड बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी आंखों के सामने एक वी शेप की आकृति बन जाती है। एंड अनदर स्ट्रेट टाइटर एंड वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, उसके प्यारे से सुंदर से मुंह के ऊपर एक सीधी और कैसी टाइट यानी कसी हुई सी एंड सीधी सी स्ट्रेट एक लाइन सी मतलब रेखा बन जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर एंड वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट एंड प्लीजेंट माउथ, उसके मुंह पर एक सीधी सी कसी हुई सी और प्यारी सी मुस्कान है वो आ जाती है। रिंकू रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी क्रोधित थी, थॉट मृदु विथ शिवरिंग, ये सोच करके मृदु जो है वो कम कपाने लग गई थी, शिवरिंग करने लग गई थी, सी वुडंट बी अपसेट, वो कह रही है वो बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती, कब नहीं होती, इफ सी नोज अबाउट द पुअर बेगर, यदि वह उस वृद्ध भिखारी के बारे में जानती, विद श्योर ऑन हिज फिट, कि उनके पैरों में किस प्रकार से छाले पड़े हुए थे, सी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, ये सारी बातें उन्होंने अपने आप को समझाने की कोशिश करी। इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब टाइम्स का कंप्लीट हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आपको इस चैप्टर की मीनिंग्स लिखनी। थैंक यू वेरी मच।